चल तू तारी ईमानदार से बता, तार फूफू सुंदर छे, तारी बुआ सुंदर छे। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी ना गिफ्ट के अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, जब तक मम्मा को मम्मा आपको मैं बता दूं, यीशु का बर्थडे बहुत अच्छे से मन गया, लेकिन सबसे ज्यादा गिफ्ट डुगू के आए हैं। कैसे? उसके एक ही गिफ्ट आया है। किसका? सारे गिफ्ट डुगू के, दो गिफ्ट आए हैं, सारे गिफ्ट डुगू के हैं। ओके क्या? हाँ चलो गाइस फर्स्ट वाला अनबॉक्सिंग। हाँ गाइस ये आया यीशु के लिए कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, ये मैं तेरे लिए किताब भेज रही हूँ, बस ये गिफ्ट आया तेरा। तो गाइस फाइनली अभी यीशु के जो गिफ्ट आए हैं, यीशु के नहीं डुगू के जो गिफ्ट आए हैं, वो मतलब अभी हम खोलेंगे, चेक करेंगे किसने क्या भेजा है। ओके चलो गाइस ये है मेरा फर्स्ट अनबॉक्सिंग। हाँ ये सिर्फ डुगू का गिफ्ट है, तो जाओ क्या है। चेक करो क्या है इसमें, किसका है मिंटू, नाम बता ईसा, उसको नाम बोल लेते मिंटू को। अच्छा अच्छा गाइस ये देखो, ओ गाइस मुझे मिली है कलर पेंसिल। अच्छा मैंने उनको बोला था कि मैम मुझे कलर पेंसिल चाहिए। ओके ओके ये गाइस जिसकी ट्यूशन टीचर का है, तो उन्होंने कलर पेन और नाम बोल रहे उनका, ट्यूशन टीचर मतलब मैडम का, ड्राइंग बुक। ओ वाओ गाइस ये सर्कल, जो सर्कल दिया सबसे पहले ट्रायंगल दिया, क्या है शिवन्या का है, जो मेरी डॉक्टर फ्रेंड थी डॉक्टर भाभी, वो लेके आई थी, रुक जाओ। और ये डॉक्टर का ही है, ये यीशु के लिए लाई थी है ना पार्थिव, और ये शिवन्या। पहले आपका ओपन करो, तेरे में कुछ नहीं है तो ये पता है अश्विन जी ने पसंद कराया आपके लिए, ठीक है। ओह माय गॉड ये क्या है, गजब बेइज्जती है डुगू तेरी तो। व्हाइट कलर का ठीक है, सरंजय का बहुत अच्छा गिफ्ट है, तो पसंद है इसमें, अच्छा लग रहा है ये तो, बहुत ही अच्छा लग रहा है डुगू तो, बहुत सच्ची में देखो ना पूरा पास में से देखो गाइस, बहुत अच्छा है सच में, आप देखो देखो इसके अंदर है ना काफी सारे डिजाइन है, अलग अलग कलर दिख रहे हैं आपको ना। तो यीशु ये देखे एक ट्राई करके देख, अच्छा है, बाकी अच्छा है ना, पूरा खोल के दिखाओ इसमें और क्या है। माय फर्स्ट साइंस किट लिखा है इसमें, देखते हैं। वैसे सरंजय ऊपर ही पहुंच गया था गुलाब जामुन लेके, नहीं लिया फिर उससे ना, नहीं लिया था ना उसने, क्या बोला देखो ऐसे है बात कि आपको सिर्फ एक या दो फीस लेने हैं इसमें से, बाकी वापिस नीचे भेजना भी है। अरे मुझे संजय में गलती हो गई, सॉरी सॉरी, आप ना दो चार डाल के फिर चले जाओ, फिर वापिस दे के भेज दिया। भाई डॉक्टर थी वो, खुद डॉक्टर है तो गाय जी गिफ्ट आप देख सकते हो, अकल घुस जाएगी मेरे अंदर। एक एक चीज दिखाओ, एक एक चीज दिखाओ, आप समझती हो ना इसको, मैं तो देखो इन चीजों में समझती नहीं हूँ, मैं समझाऊंगी। ये डॉक्टर के कुछ है ना, ये मिंटू केमिकल जो चेक करते हैं, केमिकल वगैरह। हाँ अब जैसे लैब में हम चेक करते हैं किसी केमिकल को, हाँ येलो कलर, ये स्नो पाउडर क्या होता है वो, ये डॉक्टर ही समझ सकते हैं। ये यीशु लैब में जो टेस्ट करते हैं ना अपन केमिकल को, वो चीजें हैं ये, नॉर्मल चीज है कोई। हाँ ईसा इसको हम जब लैब में कोई केमिकल को टेस्ट करते हैं ना, तो ऐसे ऐसी इस डब्बी में डाल के चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सारी किताब है ना जो आपको सामने है, वो एक किसी भी केमिकल को टेस्ट करने के लिए और उसको चेक करने के लिए होती है, ठीक है। वैसे हम राय जी इतना समझते नहीं है, डॉक्टर आंटी से ही समझ लेना। हाँ वैसे बहुत अच्छा, नहीं मैं बता सकता हूँ लाइव जो कुछ सीखने को मिलेगा इस चीज से, वो ये सिर्फ लैब में काम आने वाली चीजें हैं। और ये हेयर बैंड भी बहुत सुंदर है यीशु के लिए। हाँ गाइस कोई व्हाइट तो दे दिया गाइस, व्हाइट और ब्लैक मेरे स्कूल में अलाउड है। अब चल दूसरा दूसरा ओपन करो, डुगू आ गई, डुगू आ गई, डुगू का गिफ्ट, डुगू डुगू चेक करेगी। ये आपका गिफ्ट है, क्या हो सकता है डुगू इसमें, क्या हो सकता है डुगू, क्या है इसमें, बलून। तो गाय डुगू को सिर्फ बलून दिखता है और कुछ नहीं दिखता, डुगू इसमें बलून, डुगू उसमें उसमें चेक करो, उसमें चेक करो, उसमें जाओ, उसमें जाओ,
ओ ओ डुगु ये क्या है गाइज, मुझे दिखा मुझे एक गाइज, ये है डुगु का गिफ्ट। वाह डुगु ये क्या है? आंटी। तो गाइज ये डुगु की आंटी है, आप देख सकते हो डुगु। ओ डुगु दूसरी आंटी। ओ डुगु आंटी का बैग। आंटी है तो मिंटू आंटी है, आंटी आंटी। ये डुगु, ये को, ये आंटी का बैग है। सुंदर है मतलब ऐसे तो। तो गाइज डुगु का कहना है कि ये आंटी है और ये भाभी जी ने गिफ्ट दिया डुगु के लिए और ये डुगु इसको आंटी बोल रही है और आंटी का बैग भी मिल गया डुगु को। डुगु ओ डुगु ये क्या है? बैठो बैठो। डुगु ये कौन है? ये कौन है? और गिर गया। ये कौन है? मम्मा कौन है? ये कौन है डुगु? हेलो गाइज गुड मॉर्निंग। और देखो दोनों बुआ भतीजे स्टार्ट हो गए काम करने के लिए। सुबह रात की काफी रात का काफी घर गंदा हो रहा है। अब छत पे जाएंगे, छत देखना कितनी गंदी हो रखी है। छत वत का कुछ नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट बारिश आएगी धो जाएगी हम तो। अच्छा हाँ बारिश का वेट कर रहे हो? कचरा उठा के ले आएंगे, वैसे भी काली हो रही है तो काली जम गई। वैसे मिंटू आज आप सुंदर लग रहे हो। मैं सुंदर कब नहीं थी ये बता दे एक बार। पता नहीं विकास ही तरह चल तू तारी ईमानदार से बता, तेरा फूफा सुंदर जे तेरी बुआ सुंदर जे बुआ सोच लगी जूस तो बाकी गांगा और काले गांगा है। नहीं या तो गलत बात है नहीं बिकॉज अभी काई खेड़े थोड़ी देर पे जब बोल दे हर जगह तू थारी मत बोला अब कर फूफा की बोल नहीं पड़े कदे कदे ना ने फूफो इमोशनल ले जाते भाई मारा तो कोई घर काई कौन ई तो ई बुआ भी ई भतीजा हो जो भाई आओ जो बहन की बोल तो ऐसी कोई बात कौन था कि बोले थे लेकिन बहुत सुंदर तो मैं ही चुनी थी बोलो ही तुम। देख मार विकास ला बुआ बती जो लागा चा भाई बहन सबको लागा मार पे जारी जन शक्ल मिल रही थी तो कहे जी होता है खान बोल थे बताओ है ना खून का रिश्ता ये होता है कि भाई वो भाई नहीं है भतीजा है भाई का बेटा लेकिन कनेक्टिविटी तो एक ही चल रही है ना तो ये है हमारा इसके भी शादी करेंगे कोई लड़की हो तो बता देना। देख मन में लड्डू फूट गए दो अंकल बैठे हैं गाइस अभी मेरे दो चाचा हैं अभी तो उनकी करेंगे और फिर पूजा तो बड़ी थी ना हाँ। एक सिस्टर बैठी है इससे बड़ी और फिर एक इससे छोटी है उन दो की और दो चाचा की तब लेट है चलो कपड़े सुखा के आ चलो छठा नंबर पर फिर मन ही से अभी 7-8 साल। तो गाइस रात में बच्चों की बर्थडे पार्टी हुई थी छत के ऊपर ही हमने केक कट करा था। कितना सारा कचरा ही कचरा हो रहा है ये देखो। तो मैं और विकास आए कपड़े सुखाने, कपड़े सुखा के और फिर उसके बाद में हम जाएंगे, हम थोड़ा सा सफाई करेंगे ऊपर ही फिर जाएंगे हम लोग नीचे चाय वाय पियेंगे। अभी चाय भी नहीं पिए 7 बजे। हमने कपड़े सुखा दिए और अब बुआ जी निकाल रही है झाड़ू और मैं इन सबको साफ करके अभी नीचे रख के आऊँगा। और देखो कितना कचरा हो रहा है। तो गाइस छत पे काम करके नीचे आ चुके हैं। मिंटू का लिए अभी बहुत काम बाकी है, बर्तन साफ करने वो करने। आज मैं बिल्कुल हेल्प नहीं कराऊंगा आपकी। और बर्थडे गर्ल अब तुम्हारा बर्थडे खत्म हो गया, खड़े हो जाओ। ओरे वाह ओरे देखो ईसा बड़क तुम फिर वो कहेगी मुझे आंटी चाहिए। रात में दोनों खूब लड़ी है इस आंटी के ऊपर, मुझे आंटी ही चाहिए मम्मी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, डुगु को आंटी ही चाहिए। वो डुगु भी तो कंगी करती है ये सिखाती है। एक तो बड़ा अच्छा है जो डुगु ने भी अच्छा नहीं खेलना डुगु उठ रहे बेटा फिर प्लीज दे देना ओके। तो गाइज रात को ईशू के जो गिफ्ट आया था डॉक्टर आंटी ने इसको दिया था, बहुत खुश है उस गिफ्ट से। तो इतना उस गिफ्ट से इतना खुश है ना ईशू। ईशा कितना खुश है? बहुत खुश है गाइज, ये ना सही है मतलब कि अक्ल आने वाली चीज है।
अकल आने वाली चीज है। तो डॉक्टर आंटी से क्या बोलोगी आप बताओ? भाभी जी अगर आप मेरा ब्लॉग देखो तो देखना यीशु कितना पागल हो रही है। ये देखो ट्रीटमेंट भी चालू हो गया। तो गाइस इसमें इसने पानी डाला है अभी। अच्छा एक ही ड्रॉप डालना है। अच्छा ये पानी डाल रहे हो इसमें? जिसमें इसने एक बूंद रेड ड्रॉप डाली है और फिर इसको मैश कर रही है। और उसके कौन सा कलर बनेगा आप देखना, कलर चेंज पर्पल कलर सही है। पर्पल कलर ही बना है तो गाइस मतलब कि ना वो क्या बोलते हैं लाइट कलर बना है। लाइट है हाँ, लाइट तो पर्पल कलर बन रहा है क्योंकि रेड कलर थोड़ा सा वो था ना लाइट। हाँ। तो इसलिए गाइस सही है वैसे लाइट बन गया, पहले थोड़ा डार्क था। तो गाइस अब बनाएंगे हम बैलून। ये कैसे किया तुमने? हमने ना एक है गुब्बारा फुला दिया गाइस, हवा निकल रही है ना फुल फुल फुल। हमने इसका मटर लिया है और इसका मटर लिया गाइस। ये देखो गाइस ये सही है यार, डॉक्टर आंटी सही लेके आई है ये किट। ये पता नहीं क्या दिया है, अब और देखते हैं गाइस। तो गाइस मिंटू का भी एक पार्सल आया, देखते इसमें क्या है। मिंटू अभी थोड़ी देर किसी से बात कर रहे, थोड़ी देर बाद ओपन करेंगे इसे। तो गाइस देख लो बुआ जी हमारे लिए सैंडविच बना रही है। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ ना, हिम्मत नहीं हो रही थी कि आटा लगाऊं सब्जी बनाऊं। आलू उबाले थे मैंने सब्जी बनाने के लिए, फिर मेरा एकदम से दिमाग आया सब्जी बनाऊंगी, फिर आटा लगाऊंगी, फिर रोटी बनाऊंगी और फिर प्लेटर में डाल डाल कटोरी बनगी। भाई इतना दर्द हो रहा है ना आज तो इन एडी के अंदर कि भाई कोई ऐसे दबा देना तो बस नहीं आ गया। सही में अगर कोई नहीं दबाएगा ना तो मैं नहीं सुनूंगी यार, और मेरी बात कोई सुन भाग के आ रहा है। तेरी एडी को दर्द की दवाई यार मुझे पता लग गया है। गाइस अभी कह रही थी मेरी एडी में दर्द हो रहा है की चलोगे ना आप इन पे। अरे बड़ा मजा आ रहा है भगवान की कसम है ना, पहली बार मंगवाई है ये वाली स्प्रिंग वाली चप्पल है, बहुत अच्छा लग रहा है सच्ची में। एडियो में मतलब दबाने की जरूरत नहीं है, मेरी एडियो को कोई दबाई नहीं। देखो ये ये स्प्रिंग वाली चप्पल है। पापा में इतना कितना वो है, ये पापा की लाडली। रात हो गई पापा, रात हो गई पापा। तो गाइज इस ब्लॉग का एंड यहीं कर देते हैं क्योंकि मेरे पति देव जा रहे हैं ड्यूटी। तो इस ब्लॉग को खूब सारा प्यार देना। मेरी बेटियों के बर्थडे के जो दोनों ब्लॉग डले थे ना उसमें कमेंट बंद हो गया था क्योंकि बच्चे लोग ज्यादा आ रहे थे। तो आप लोग इस ब्लॉग में बच्चों को हैप्पी बर्थडे विश जरूर करना और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरी तरफ से गुड नाइट और इनकी तरफ से गुड नाइट, बाय बेटा।